नमस्कार दोस्तों, नॉलेज मैक्स में स्वागत है आपका। मैं एक बार फिर हाजिर हूं एक नए नुस्खे के साथ, और इस बार हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की, हृदय रोग की, जो सबसे घातक है, आज की डेट में हिंदुस्तान में बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जो मृत्यु दर है बीमारियों में उसमें इसका सबसे बड़ा योगदान है। इसका जो प्रकोप है वो गाँव में ज्यादा बढ़ रहा है, शहरों में तो बढ़ ही रहा है, गाँव में उससे भी ज्यादा बढ़ रहा है। खाना पीना वही रहा है, लेकिन शारीरिक श्रम की कमी हो गई है, वो करना बहुत कम हो गया है। अगर आपने इस डिस्क्लेमर को नहीं पढ़ा तो आप वीडियो को होल्ड करके पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, शारीरिक कमी और दुनिया भर का स्ट्रेस जो लोग लेके रखते हैं, और खाने पीने में जो पिज्ज़ा बर्गर या इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा चल रही हैं, तो उसका हार्ट पे काफ़ी नेगेटिव असर पड़ता है, और ये एक बीमारी का धीरे धीरे रूप ले लेता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ईसीजी कर देता है, चेक करेगा, ईसीजी बोलेगा 10 बीमारी आपको बताएगा, और आपके एक पूरी दवाइयों का एक पोथा आपके हाथ में पकड़ा देगा कि शुरू हो जाओ आप दवाइयां खाना। तो इन सब चीजों के चलते बाद में अगर दवाई नहीं खाते हैं, या दवाई खाते भी हैं तो बहुत बार ऐसा होता है सिचुएशन क्रिटिकल हो जाती है, पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। हॉस्पिटल में जाने के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, वो ऑपरेशन कर देते हैं, और ऑपरेशन के बाद आदमी की जो लाइफ है वो अपने आप ही आधी रह जाती है, क्योंकि दिल की जो अक्षमता है उसका उस पर असर पड़ता है ऑपरेशन के बाद। और डॉक्टर जो रिकमेंडेड करता है, और रिकमेंड क्या, वो खानी ही पड़ती है गोलियां, आपको पूरी लाइफ खानी पड़ेंगी। तो ये और बहुत बार देखा गया है, गोलियां खाने के बाद भी अगर आदमी को हार्ट अटैक हो रहा है तो डॉक्टर के पास इसका कोई कोई भी इसका जवाब नहीं है। वो कहता है कि कई बार ये गोलियां ही हार्ट की प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, बहुत सरप्राइजिंग है। तो ऐसे में हमारा आयुर्वेद रेस्क्यू के लिए आता है और आपको ऐसी चीजें बताता है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने हृदय को काफी मजबूत बना सकते हो, और अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो उसको दोबारा ना हो, ऐसा इस तरीके से कर सकते हैं। ये नुस्खा बनाने में आसान है, और 1 महीने के आसपास ये आपको पीना पड़ेगा, और इसके लिए आपको चाहिए अर्जुन के पेड़ की ताजा छाल। दोस्तों, ऐसा होता है अर्जुन का पेड़, उसकी छाल आपको उतारनी है, बहुत कॉमन कॉमनली अवेलेबल है, आप जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं, मिल जाएगा आपको पेड़ कहीं भी है। तो उस पेड़ की छाल आपने लेनी है, और ये पूरी विधि मैंने लिख दी है, मैं आपको बता रहा हूं उसको करना कैसे है, आपकी सुविधा के लिए बता भी रहा हूं कैसे लेना है और क्या सावधानियां है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। अर्जुन की ताजा छाल को लेके उसको सुखाकर पाउडर बना लें, आप पंसारी से भी ले सकते हैं, लेकिन ताजा छाल लेके बनाने का फायदा यह है कि आपको पता होता है कि आपने बिल्कुल ओरिजिनल छाल ली है। अब ये बहुत जरूरी चीज है कि आपको 250 ग्राम गाय का दूध लेना है और उसमें 250 ग्राम पानी मिलाना है, यानी बराबर दूध में बराबर पानी मिला के आपने उसको पकने के लिए चढ़ा देना, धीमी आंच पे, ध्यान रहे आपने धीमी आंच पे चढ़ा देना है, और उसमें डाल दीजिए 1 चम्मच अर्जुन के पेड़ की सूखी छाल जिसका आपने पाउडर बनाया था, उस पाउडर का 1 चम्मच उसमें आप डाल दें, 1 चम्मच चाय का चम्मच लगभग 3 से 4 ग्राम के आसपास उसमें आप डाल दें, और जब पक पक के दूध आधा रह जाए, यानी पानी जो आपने मिला था पानी उठ जाएगा, तो दूध लगभग आधा रह जाएगा, आप गैस बंद कर दें। इसमें स्वाद के लिए आप 10 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं, चीनी ना मिलाएं, 10 ग्राम मिश्री का पाउडर मिला सकते हैं, और छान कर रोगी को खाली पेट पिलाएं, खाली पेट आपने रोगी को पिलाना है। दोस्तों, ये ऐसा अनुभूत प्रयोग है जिसको बहुत सारे लोगों ने इसको सिद्ध किया है, चेक किया है, और ये हृदय की स्थिरता, तेज धड़कन, हृदय में सूजन या हृदय बढ़ जाना, जो ना हार्ट फैल गया आदि, ऐसे रोगों में इसका बहुत ही प्रभावशाली, इसका प्रभावशाली असर होता है। ये काढ़ा हार्ट अटैक अगर किसी को हो गया है तो दोबारा नहीं होने देगा, और अगर किसी जो ठीक ठाक स्वस्थ आदमी इसको पीता है तो उसको बचा के रखेगा हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों से, बहुत शक्तिवर्धक है हार्ट के लिए। अर्जुन की छाल का ये काढ़ा बहुत शक्तिवर्धक है, आप इसको एक बार कोशिश कर सकते हैं अगर आपको लगता है, और आप इस खाली पे, अच्छा एक चीज आपने और ध्यान रखनी है, खाली पेट आपने पीस को पीना है, और उसके करीब 1-1.5 घंटे के बाद ही आप कुछ खाएं, 1.5 घंटे से पहले कुछ ना खाएं। सावधानियां दोस्तों, दूध देसी गाय का ही होना चाहिए, ये आपको खास ध्यान रखना है कि जो दूध है देसी गाय का ही होना चाहिए, और अर्जुन की छाल आप खुद
उखाड़ के उसको सुखा के आप उसका पाउडर बनाएं, बहुत प्रभावशाली है ये। तो ये एक अनुभूत नुस्खा मैंने आपको बताया, आप इसको सब्सक्राइब करके शेयर कर सकते हैं ताकि दूसरे लोगों को भी इसका फायदा हो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, जय हिंद।